मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। क्या प्रभास और राजामौली के मनमुताब का असर पड़ेगा बाहुबली 3 पर? ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। ऐसा क्या फैसला ले लिया राजामौली ने? क्या टूट जाएगी इन दोनों की दोस्ती? वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजनी और आ गई हूँ आज फिर बॉलीग्राड स्टूडियोज में एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि प्रभास और एसएस राजामौली बेस्ट से बढ़कर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। छत्रपति से शुरू हुई इनकी फ्रेंडशिप बाहुबली के समय और भी मजबूत हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज का एक अंत होता है, तो ऐसा लगता है कि प्रभास और राजामौली की अटूट दोस्ती का भी अंत नजदीक आने वाला है। जी हाँ, दरअसल इंडस्ट्री के गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रभास और राजामौली के बीच अब कुछ ठीक नहीं है, जिसका सीधा सीधा असर इनकी दोस्ती पर पड़ेगा, इनके साथ में आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि हाल ही में राजामौली प्रभास और राधे श्याम के मेकर्स के पास उनकी फिल्म को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट करने पहुंचे थे, जिस पर प्रभास ने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी दोस्ती टूटने की असल वजह ये नहीं है, इसकी असल वजह तो राजामौली द्वारा लिया गया एक डिसीजन है। जी हाँ, असल में राजामौली ने अपने बाहुबली से अब सीधा पंगा लेने का मन बनाया है, जिसके मुताबिक अब वो अपनी फिल्म RRR प्रभास के राधे श्याम के साथ संक्रांति 2022 के मौके पर रिलीज करेंगे। यानी कि इस बार बाहुबली और इसके मेकर्स के बीच अलग अलग फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस में टक्कर होगी। लेकिन इस समय फैंस का चिंता का विषय तो कुछ और ही है। दरअसल प्रभास और राजामौली की ये जोड़ी बाहुबली के बाद ही चर्चा में आई थी, जिसके बाद बाहुबली 2 के दौरान इस दोस्ती को बहुत पसंद किया जाने लगा और दर्शकों की थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि बाहुबली 3 का इंतजार करने लगे। अभी हाल ही में इस बात की पुष्टि भी हुई, क्योंकि राजामौली इस फिल्म को बनाने वाले है, जिस पर वो जल्द ही काम शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच इन दोनों के मन मुताब की खबरों ने दर्शकों को सटके में डाल दिया है कि कहीं इस बात का कोई असर बाहुबली 3 पर ना पड़े। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्टार्स बहुत ही प्रोफेशनल हैं और इतनी सी बात पर वो अपने फैंस को निराश नहीं कर सकते। वो जल्द ही सीक्वल लेकर आएंगे और एक बार फिर फैंस को दीवाना बना देंगे। फिल्म से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। फिलहाल इनकी दोस्ती और मन मुताब के बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।